तो दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं मलेशिया तो आपके मन में सबसे पहला सवाल आया होगा कि भाई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में आपका सारा मैं वही बताऊंगा कि मलेशिया का वीज़ा 5 मिनट के अंदर आपके ईमेल पे आ जाएगा, जो कि 15 दिनों के लिए वैलिड होगा आपके मलेशिया ट्रैवल के लिए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आपको पहले जाना है गूगल पे, और बहुत सारी फेक वेबसाइट्स हैं उन पे नहीं जाना है, सीधा लिखना है मलेशिया eNTRI वीज़ा और इसको सर्च कर देना है। तो जो ये सर्च करने के बाद सबसे पहली साइट खुलेगी, जो कि है ये वाली windowmalaysia.my/evisa/evisa जो .jsp। तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये वाली साइट आपकी आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा लिखा है मलेशिया की कोई है चीज़, ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ मलेशिया, ये मलेशियन लैंग्वेज भी लिखा है इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आई एम न्यू पे अप्लाई करना है। तो नया टैब नहीं खुलना चाहिए, तो आपको आई एम न्यू पे अप्लाई करना है, जिसमें आपको लिखना अपना गिवन नेम, सब कुछ आपको अपने पासपोर्ट के हिसाब से लिखना है, जो भी आपको पासपोर्ट में दे रखा है। गिवन नेम मतलब आपका फर्स्ट नेम, सरनेम, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, जेंडर और अपनी डेट ऑफ बर्थ। फिर आपको लिखना अपना एड्रेस, जो कि पासपोर्ट के हिसाब से, फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड जो आप देना चाहते हैं, पासवर्ड दोबारा, और ये जो कैप्चा है ये लिखना है आपको, ठीक है। फिर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके अपने जाना है जीमेल अकाउंट पे, जो आपने अपना ईमेल आईडी दिया है उस वाले अकाउंट पे जाना है। तो ये मेरा है मेल बॉक्स, इसमें मेल आया हुआ ई वीज़ा मलेशिया रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के नाम से, ठीक है। योर वीज़ा हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड टू वेरीफाई, क्लिक हियर। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको वेरीफाई हो जाएगा पूरा अकाउंट। तो मैंने क्लिक कर रखा है तो मैं इसलिए दोबारा नहीं करूँगा। अब इस मेल बॉक्स को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आपको दोबारा जाना है इसके साइट के होम पेज पे, यहाँ से क्लिक करके, ठीक है। और फिर आपको रिटर्निंग यूज़र पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने अपना पहले से अकाउंट बना रखा है, तो मैं वही आप अपना डालूँगा और आपको दिखाऊँगा और क्या क्या चीज़ें डालनी पड़ेंगी। ठीक है, ये मैंने डाल दिया अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो मैंने सेट किया था। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ई वीज़ा के या फिर eNTRI, जो नया प्रोग्राम निकाला है मलेशिया की एम्बेसी ने, ठीक है। तो फिर ई वीज़ा में आपको फ़ीस भी ज़्यादा लगेगी और ये वैलिड भी ज़्यादा दिनों के लिए होगा। तो अगर आप मलेशिया 15 दिनों से कम के लिए जा रहे हैं और आप इंडियन हैं, तो आप eNTRI वीज़ा के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ 21.50 USD, मतलब 1300 रुपये के करीब पड़ेगा आपको, और ये एकदम से आपके ईमेल पे वैलिड होके आ जाएगा। पर ई वीज़ा में आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे और टाइम भी ज़्यादा लेगा आपका वैलिड होने में। तो हम कर देंगे एनरोल eNTRI प्रोग्राम। तो इम्पोर्टेंट नोटिस इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ से हम एंटर हो सकते हैं मलेशिया में, वो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, पहले अपलोड एप्लीकेंट फ़ोटो। तो यहाँ पे फोटो डालनी है जिसका साइज़ ये होना चाहिए, 50 mm, या पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और मैं एक बात और बता दूँ, फोटो के ऊपर 5 mm का गैप ज़रूर छुड़वाना, क्योंकि अगला जो एडिटर आएगा इसके अगले पेज पे, उसमें बहुत ईजी हो जाएगा आपको फ़ोटो डालना, ठीक है। तो फिर अगला है आपका पासपोर्ट फ़ोटो। पासपोर्ट फ़ोटो आपको अपनी डालनी है, जो कि सिर्फ इसमें डालना है फ्रंट पेज, फ्रंट के दो पेज डालने हैं, ठीक है। फ्लाइट आइटनरी डालनी है आपको, और एकोमोडेशन डॉक्यूमेंट और कोई अदर डॉक्यूमेंट, जैसे आप पासपोर्ट बैक के दो पेज डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं आप इसमें। पर्पज़ ऑफ स्टे आपका क्या है, टूर, गिवन नेम, ये आपने सारा पहले भर दिया तो उसके बाद एडिट नहीं कर सकते हो। ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह, ये पासपोर्ट की इशुएंस डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, ये डालनी है यहाँ पे। आपको एड्रेस डालना है अपना, एड्रेस इन मलेशिया का मतलब आपको मलेशिया में जहाँ पे आप स्टे करने वाले हैं होटल का एड्रेस वो डालना है। अब पेमेंट मेथड में आप चुन सकते हैं वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड, ठीक है। इनमें से कोई भी चुन के आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो एडिटर आएगा, जो कि एडिटर दिखा रखा है, सेकंड वाला एडिटर आएगा। ये आपको फर्स्ट फ़ोटो को एडजस्ट करना है, जो आपको मलेशिया की गवर्नमेंट ने कहा कि इस साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, तो देखेंगे कि इस साइज़ की है या नहीं, ठीक है। वो एडिट करके आपको उस पेमेंट करनी है और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होते ही आपके पास एक मेल आएगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा होगा, और आपका वीज़ा मेल पर आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो आपको यहाँ पे बस अपना मेल आईडी में सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कम से कम 10-15 दिन पहले अप्लाई कर चुका हूँ मैं वीज़ा के लिए। तो यहाँ पे मेरा आ चुका है ये मलेशिया eNTRI रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो
तो ये मेरा वीज़ा अप्रूव होके आ चुका है यहाँ पे। यहाँ पे एक आपको क्लिक हेयर टू प्रिंट आउट योर eNTRI नोट, पूरा एक पेज आ जाएगा जिसमें एक बार कोड होगा, बस आपको प्रिंट करके लेके जाना है और आपको बस सफिशियंट एक्सपेंसेस दिखाने हैं। इसमें लिखा है हैव सफिशियंट eNTRI एंड सफिशियंट एक्सपेंसेस क्रेडिट कार्ड। ये आपको फ्लाइट टिकट्स वगैरह आपको प्रूफ करने के लिए जहाँ पे भी मलेशिया एंट्री करेंगे वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। बस इतना सा प्रोसीजर था, 2 मिनट के अंदर आपका वीज़ा अप्रूव होकर आ जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा eNTRI प्रोसेस के थ्रू वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि ई वीज़ा करेंगे तो आपको कम से कम 2 दिन लगेंगे और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, और अगर आप 15 दिन से ऊपर के लिए मलेशिया जा रहे हैं तो ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब eNTRI वीज़ा सिर्फ 15 दिन से कम के स्टे के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मैं जा रहा हूँ मलेशिया और सिंगापुर घूमने 30 तारीख को, 30 अक्टूबर। तो आपको मेरे अगर वहाँ की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, क्योंकि मैं आपको सारा वहाँ पे दिखाऊंगा, इमिग्रेशन का प्रोसेस, करेंसी एक्सचेंज का प्रोसेस, ट्रैवल का प्रोसेस, पूरा मतलब कि वहाँ पे कैसे घूम सकते हैं, उसमें क्या क्या है घूमने का सिंगापुर और मलेशिया में, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा।